बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3। और इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है मराठी सुलभ भारती, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। और जो मैंने कहानी आप लोगों को बताई है जो इनकम्प्लीट है उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करता है। लेकिन अभी हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स, तो चलिए फिर आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ नंबर वर्क। तो क्या है भाई नंबर वर्क में? इन द टेबल बिलो कलर द बॉक्सेस ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10 रेड। जो 1 to 10 के अंदर के जो नंबर है उन्हें आप लोगों को रेड कलर करना है। द बॉक्सेस ऑफ द नंबर 11 to 20 ग्रीन। जो 11 to 20 नंबर्स है उनको ग्रीन कलर करना है। दस कलर ऑल द बॉक्सेस यूजिंग डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से 11 to 20 ग्रीन, फिर 21 to 30 येलो, फिर 31 to 40 ऐसा अलग अलग कलर जो आपको चॉइस करके करना है वो आप लोग कीजिए और इसे कलर कीजिए, ठीक है। तो अभी 1 to 10 में रेड कलर करने के लिए कहा है, तो इस बॉक्स में हम लोगों को 1 to 10 के अंदर के नंबर्स ढूंढने होंगे। तो देखो ये है 4, फिर ये है 10, ये है 2, इसको रेड कलर करना है, हाँ बहुत मजा आएगा आप लोग को। फिर ये 8 है, फिर ये 6 है ना, सब सिंगल नंबर सी है। 1 है, 7 है, 5 है, 9 है, 3 है। तो इस तरह से इसे रेड कलर करेंगे आप लोग। फिर 11 to 20 ग्रीन कलर करना है। तो 11 और 20 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे ये है 18, फिर 19, इसके बाद अभी तो आप लोग को पता चल गया ना 15, ग्रीन कलर करना है। फिर आगे जो भी कलर है आप लोगों को अपने मर्जी से करना है। 14, 13, 12, फिर कुछ दिखा तुम लोग को? यस 11, देन सिक्सटीन, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को भी ये समझ में आ गया है, तो अभी आप लोग इजीली इसे कलर कर सकते हैं, है ना। फिर इसके आगे इन्होंने दिया है राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 26 to 99 इन वर्ड्स। तो 26 किस तरह से लिखना है? 27 28 29 30 30 31, ये सब आपको लिख कर निकालना है टिल द 99। ओके देखो 99 तक लिख कर निकालना है अच्छी हैंड राइटिंग में, ठीक है। और मुझे बताना कौन कौन लिखेगा, किस किस का लिख कर हो गया, ओके। फिर इसके आगे की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ इंट्रोड्यूसिंग हंड्रेड्स। लेकिन इसके पहले आप लोग ये जो इसके पहले का जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करके रखिए, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी हंड्रेड से, ठीक है। चलो फिर लग जाओ पढ़ाई करने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।